हे दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जाने वाले हैं लैमिंगटन रोड एक और नया पीसी बिल्ड करने के लिए। दरअसल ये पीसी बिल्ड मेरे एक सब्सक्राइबर का है जिनका नाम है मयूर, और वो काफी टाइम से ना यहाँ पर एक पीसी बिल्ड करवाना चाहता है। तो मयूर ने मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे DM किया कि उसको मेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए लैमिंगटन रोड से पीसी बिल्ड करवाने के लिए, और वो वहाँ पर अकेले जाने से डर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता वहाँ पर उसके साथ कोई स्कैम हो जाए। तो लेट्स गो दोस्तों, मयूर भाई का पीसी बिल्ड करवाते हैं और चलते हैं लैमिंगटन रोड। ए फ्यू मिनट्स लेटर। और ये दोस्तों, हम फिर से एक बार आ गए लैमिंगटन रोड, और यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर से मिल रहा हूँ। तो ये रहा मयूर मेरे साथ में है। दोस्तों, यहाँ पर मयूर अपने मम्मी के साथ पीसी बिल्ड करने आने वाले थे, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। आपको कंप्यूटर बिल्ड करने उस बंदे के साथ आना चाहिए जिसे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो और जो तुरंत ऑनलाइन प्राइसेस कंपेयर करे। तो इसीलिए मैं मयूर के साथ आ गया। दोस्तों, मयूर यहाँ पर एक और गलती करने वाले थे, और वो है बिना कोटेशन निकाले अपने पीसी को बिल्ड करना। जो फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डर्स है वो हमेशा ये गलती करते हैं कि वो थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं अपने पीसी बिल्ड करने के लिए। आप मयूर के DM से यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें पता लग रहा है कि वो कितने जल्दबाजी में अपना पीसी बनवाना चाहते हैं। तो मैंने उसे वहाँ पर वही सजेस्ट किया कि आज के दिन आप कोटेशन निकाल लो और हम 2-3 दिन बाद जाके पीसी बिल्ड करवा लेंगे, क्योंकि यही बिल्कुल करेक्ट वे है ऑफलाइन मार्केट से पीसी बिल्ड करवाने का। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सेम शॉप से कोटेशन निकाले जहाँ से मैंने मेरे पीसी के लिए कोटेशन निकाले थे। तो इस पीसी का कोटेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारे कोटेशन आपको बस प्राइस के लिए नहीं निकालने हैं, यहाँ पर कोटेशन निकालने से आपको शॉप का माहौल भी पता चल जाता है। और मयूर ने मुझे बताया भी उस शॉप्स में से कुछ शॉप बिल्कुल भी सही नहीं था, और उन बंदों के बात करने के ढंग से उसको पता चल रहा था कि वो उससे झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मयूर के लाए सारे कोटेशंस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला कोटेशन है इन्फिनिटी गैजेट्स का। इनका कोटेशन जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर MSI का B660 मदरबोर्ड बस 11,500 में मिल रहा है। मैंने यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर देखा, लेकिन इतना कम रेट में ये मदरबोर्ड कहीं पर नहीं मिल रहा है। इसका DDR5 वाला वर्जन 20-21,000 रुपये में आता है, और DDR4 वाला वर्जन अराउंड 18,000 का आता है। तो पता नहीं ये लोग इतने कम रेट में इसे कैसे दे रहे हैं। और उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर RTX 3060 Ti भी 30,500 रुपये में मिल रहा है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन 34,000 के नीचे तो कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है कि इस कोटेशन को अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 85,000 रुपीज बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टोटल 80,000 रुपीज लिखी है, जो कि मयूर को भी थोड़ा गड़बड़ लगा। ठीक है, इस शॉप को स्किप करते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले कोटेशन की ओर। तो हमारा दूसरा कोटेशन है मेटावर्स इन्फो का। इनका कोटेशन मुझे ठीक लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ओवर प्राइस या फिर अंडर प्राइस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, मेरे पीसी बिल्ड वीडियो पे आई इस कमेंट के हिसाब से मेटावर्स इन्फो पीसी कंपोनेंट्स के साथ उसके बॉक्सेस कस्टमर को नहीं देते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और मयूर को ये वाला शॉप भी सही नहीं लगा, तो उसने ये वाली डील भी स्किप कर दी। तो ठीक है दोस्तों, अभी तीसरे कोटेशन की ओर बढ़ते हैं, और वो है प्राइम AVGB का। वैसे कोटेशन कम और राशन की लिस्ट ज्यादा लग रही है, तो पता नहीं यहाँ पर प्राइम AVGB कोटेशन की प्रॉपर स्लिप क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसपे प्रॉपर email ID, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा हो। वैसे ये वाला कोटेशन मयूर ने निकाले सारे कोटेशन में से सबसे ज्यादा कॉस्टली है, और यहाँ पर मयूर को जो गीगाबाइट का कैबिनेट चाहिए वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं भी जब पीसी का कोटेशन लेने इनके पास गया था, तभी भी इनका ही कोटेशन सबसे ज्यादा महंगा था। ये लोग जेन्युइन प्रोडक्ट्स बोल के पीसी के पार्ट्स को बहुत ज्यादा कॉस्टली बेचते हैं। तो मयूर को यहाँ से भी पीसी बनवाना सही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट भी अवेलेबल है नहीं, और ऊपर से प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आखिरी कोटेशन भी देख लेते हैं, जो है फिनिक्स टेक्नोलॉजी NX का, और यही से मैंने मेरा पीसी भी परचेस किया था। इनके कोटेशन में सारी चीजों की प्राइसेस एकदम सही है, बस मदरबोर्ड को छोड़ के। यही से मदरबोर्ड मेटावर्स इन्फो में थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा था। वैसे ये जो कोटेशन है मयूर ने सबसे पहले निकाला था, बाद में वो बाकी स्टोर्स में गया, लेकिन अगर दूसरे कंप्यूटर स्टोर को कंपेयर करें तो मयूर को यही वाला स्टोर सही लगा। तो मयूर ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि वो फिनिक्स से ही अपना कंप्यूटर बनवाएंगे। तो लेट्स गो, चलते फिनिक्स टेक्नोलॉजी NX में। तो अब हम जा रहे हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजी NX कंप्यूटर शॉप में, जो कि इस मार्केट के शुरुआत में ही है, प्राइम AVGP कंप्यूटर शॉप के ठीक अपोजिट में। ये देखिए दोस्तों, फिनिक्स टेक्नोलॉजी NX कंप्यूटर शॉप। तो लेट्स गो दोस्तों, अब चलते इस शॉप के अंदर। तो ये हम फिर से एक बार आ गए फिनिक्स टेक्नोलॉजी NX में।
और मयूर ने यहाँ पर पीसी की कोटेशन स्लिप दे दी है जो वो इनसे यहाँ पर बना के गए थे। दोस्तों यहाँ पर कोटेशन की रियलिटी भी बता देता हूँ। आप जो भी पीसी के कंपोनेंट्स आपके कोटेशन में लिखा के देते हैं, भले वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कंपेटेबल ना हो या फिर अवेलेबल भी ना हो, तब भी वो कोटेशन लिखा के देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप पीसी उन्हीं के पास से बनाए। इसीलिए वो शुरुआत में ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते और बस कोटेशन लिखा के देते हैं। और यहाँ पर कोटेशन लेते वक्त एक चीज जरूर देखना कि यहाँ पर कोटेशन में आपको जो कंपोनेंट्स चाहिए उनके नाम पूरी तरह से लिखे हो, और जो कंपोनेंट्स की प्राइस है वो जीएसटी इंक्लूडेड हो, और वहां पर नीचे लिखा भी हो कि जीएसटी इंक्लूडेड है। वैसे ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये सिर्फ फिनिक्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये ऑल ओवर जो पीसी शॉप्स है उनके लिए कह रहा हूँ। हाँ जो चेंज करना है 13400 में भैया ने, देखो आपने सोच के लाया, आपने आपके हिसाब से लाया तो मैं कुछ नहीं बोला, बाकी बोर्ड आपका बहुत एक्सपेंसिव है, इतना महंगा होना ही नहीं। इसका भैया रे बच्चे ना आपको कोई अल्टरनेट में जो सस्ता है अच्छा मेरे भाई, मेरे को तो इसी ये मार्केट में मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे को आइडिया है इस चीज का। प्रो लेगा मतलब थोड़ा चीप, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई। एमएसआई का 510 सीरीज भी दिखाऊंगा ना, 5000 का बोर्ड उस पे भी लिखा है प्रो, वो खाली प्रो लिखा है। देखो अपने को चेंज नहीं करना है, देखो भाई की चॉइस से तो ठीक है, जैसा जैसा आपने पूछा उसके लिए बोला ही नहीं आपको। हाँ तो यहाँ पर प्रतीक भाई कह रहे हैं कि मयूर ने जो मदरबोर्ड चुना है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर हम अदर कंपोनेंट्स को इस मदरबोर्ड से कंपेयर करें तो ये मुझे भी थोड़ा सा ओवर पावर लगा। इंटेल का i5 प्रोसेसर और RTX 3060 Ti के लिए, MSI का प्रो सीरीज मदरबोर्ड या फिर Asus का प्राइम सीरीज मदरबोर्ड भी काफी होता। और यहाँ पर मयूर जो VRAM के बारे में बात कर रहे हैं वो MSI के प्रो सीरीज मदरबोर्ड में भी काफी अच्छा है। लेकिन जब मैंने इसका रीजन मयूर से पूछा तब उसने कहा कि उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसीलिए मैंने प्रतीक भाई को बोला कि मयूर के पसंद के पीसी कंपोनेंट्स उनके पीसी में लगने चाहिए। मयूर ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पीसी कंपोनेंट्स को फाइनलाइज किया है, तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मयूर के पसंद के कंपोनेंट्स ना लगाए तो उसे बिल्कुल स्कैम वाली फीलिंग आ जाएगी। मैंने जितने भी लैमिंगटन रोड या फिर नेहरू प्लेस में स्कैम वाले वीडियोस देखे हैं, उन ज्यादातर वीडियोस में शॉपकीपर ने अपने पसंद के पीसी कंपोनेंट्स उस पीसी में फिट किए हैं, जिस वजह से बंदे बोल रहे हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है। भले ही वो कंपोनेंट्स कितने भी अच्छे से काम करे, यहाँ पर बंदों को स्कैम वाली फीलिंग आई जाती है। तो मैं यहाँ पर वो सब नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आप मयूर के पसंद के ही पीसी कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज करो, और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन है उसे कभी भी पीएसयू हैंडल करता है, ना कि मदरबोर्ड। तो मेरे हिसाब से मयूर यहाँ पर थोड़े से पैसे बचा सकते थे। ये DDR5 में कितना मेगाहर्ट्ज़ रहेगा? 6000 RAM मेगाहर्ट्ज़ है ना, 25000। लेकिन इसको सपोर्ट है क्या 3400? नहीं है, वही तो है 4800 है। दोस्तों यहाँ पर मयूर के रिसर्च में थोड़ी सी कमी रह गई है। दरअसल यहाँ पर इन्होंने जो रैम चुनी है 6000 मेगाहर्ट्ज, वो इनका सीपीयू सपोर्ट ही नहीं करता है। यहाँ पर इंटेल का 13400 है, मैक्स 4800 मेगाहर्ट्ज को ही सपोर्ट करता है। तो मयूर यहाँ पर मैक मोटर DDR4 चाहता है, लेकिन उसके साथ रैम DDR5 वाला लगाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर DDR5 रैम बैकवर्ड्स कंपेटेबल नहीं है, तो ये बात मयूर को पता नहीं थी। तो यहाँ पर मयूर D4 मदरबोर्ड और DDR4 रैम के साथ ही जाता है। तो जो पीसी के कंपोनेंट्स मयूर ने यहाँ पर फाइनलाइज किए हैं, प्रतीक भाई उसका फाइनल कोटेशन बना रहा है। डिस्काउंट में चीज ही नहीं है, तो जो है फ्लैट है आपके इधर। ये मेरा कोटेशन, ये बाजार चेक करो और आ जाओ। तो ये देखिए दोस्तों, पीसी का फाइनल कोटेशन रेडी हो चुका है, और इस कोटेशन में आप देख सकते हैं कि रैम 2 बार लिखे हैं। तो यहाँ पर मयूर रैम के मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। दरअसल उसे यहाँ पर 16GB की D50 रैम चाहिए थी, लेकिन वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हमने इंटरनेट पे भी देखा, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मयूर यहाँ पर D60 रैम के साथ ही जाता है। वैसे मैं यहाँ पर 16GB की सिंगल स्टिक का भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। दरअसल मयूर यहाँ पर 16GB के रैम को एक्सटेंड करके 64GB तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पीसी पे 3D रेंडरिंग और ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर 16GB की वन स्टिक का यूज किया है, और वो फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे 64GB रैम में। और यहाँ पर साइड में ही आप डिस्काउंटेड प्राइस भी देख सकते हो, जो कि 94,200 रुपीज है। तो यहाँ पर बार्गेनिंग के बाद मयूर को 750 रुपीज का डिस्काउंट मिल चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर 500-1000 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आपको कोई हेवी डिस्काउंट दे रहा है तो स्कैम के सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझे तो मेरे पीसी के ओवरऑल प्राइस पे बस 450 रुपीज का ही डिस्काउंट मिला था। तो यहाँ पर कोई हेवी डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन ना रखे। वैसे यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये डिस्काउंट मयूर ने मेरा नाम बोल के यहाँ पर लिया है, लेकिन मेरे वीडियो में मैंने यहाँ पर कभी नहीं बोला है कि मेरे रेफरेंस से अगर वहाँ पर जाओ तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। प्रतीक भाई, इसमें जो एयर कूलर है जो 620, इसके जगह अगर AG 400+, उसमें भी ड्यूअल फैन आता है ना? AG 400+। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मयूर सीपीयू कूलर में भी कंफ्यूज हो रहा है। दरअसल उसका प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ना डिस्प्ले में 1GB का गेमिंग पीसी रखा है, और उसमें इंटेल i5 13400F अपने स्टॉक कूलर पे चल रहा है। तो वो देख के मयूर यहाँ पर सोच रहे हैं कि सीपीयू कूलर भी बाद में लगाया जाए, और फिलहाल वो इस पीसी को स्टॉक कूलर पे ही चलाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से भी इतनी बुरी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डर का यूज इतना हैवी नहीं होता, और नॉर्मल यूसेज और छोटी मोटी गेमिंग में ये प्रोसेसर स्टॉक कूलर पे भी ओवरहीट नहीं करेगा।
तो ये देखिए दोस्तों, इनके कोटेशन की अप प्राइस है 89,600। ये कोई डिस्काउंट नहीं है। मयूर ने यहाँ पर सीपीयू कूलर कैंसिल कर दिया है, तो मयूर अपने पीसी में एडिशनल रैम और सीपीयू कूलर बाद में अपग्रेड करेगा। और इसी के साथ मयूर ने अपना पीसी बिल्ड करवाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मयूर के पीसी के फाइनल कंपोनेंट्स। दोस्तों यहाँ पर मयूर ने पीसी कंपोनेंट्स को मंगवा लिया है। तो ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले आया ये प्रोसेसर जो है इंटेल आई 13400F। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड और SSD भी आ चुकी है। और मयूर यहाँ पर सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक कीजिए। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 6 महीने के अंदर है तो और भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कंपोनेंट चुना है जो कि रेयर है, तब यहाँ पर उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 साल के अंदर हो तो भी चलेगा। वैसे यहाँ पर मयूर के सारे पीसी कंपोनेंट्स अप्रोक्स 6 महीने पहले ही मैन्युफैक्चर हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे दोस्तों यहाँ पर एक बात नोटिस करने जैसी है, जब मयूर ASUS का ग्राफिक्स कार्ड ऑनलाइन रजिस्टर करने गया, तब वहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट से वारंटी को स्टार्ट किया, ना कि परचेज डेट से। तो पता नहीं यहाँ पर ASUS की पॉलिसी क्या है। वैसे ASUS के ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे लोग करता है, तो वो लोग इस बात पे थोड़ा ध्यान दे। कैबिनेट SMPS और रैम तो लाने गए। दोस्तों यहाँ पर पीसी के कुछ कंपोनेंट्स आना अभी भी पेंडिंग है। दरअसल ये लोग पीसी के कंपोनेंट्स एक गोडाउन से मंगाते हैं, तो यहाँ पर हमने इनसे कंफर्म किया कि सारे पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं। तो ये से यहाँ पर सारे पार्ट्स अवेलेबल तो है, लेकिन दोस्तों जब तक वो सारे कंपोनेंट्स आपके सामने ना आए, तब तक आपको पीसी बिल्ड करवाने के लिए नहीं बोलना है। एक बार सारे कंपोनेंट्स आपके सामने आ जाए और आपने उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और सीरियल नंबर भी चेक कर लिया है, आपको तभी इनको पीसी बिल्ड करने बोलना है। ये सबसे जरूरी बात है, ये बात ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। यहाँ पर लगभग सारे पीसी के पार्ट्स आ चुके हैं, बस कैबिनेट को छोड़ के, तो हम बस अभी उसी का वेट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गीगाबाइट का कितना बढ़िया गेमिंग सेटअप है। शायद गीगाबाइट ने स्पॉन्सर किया है। इस पीसी में ORS के कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, जो कि गीगाबाइट का ही सब ब्रांड है। इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर शॉप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। तो ये है वो गीगाबाइट का कैबिनेट जो मयूर को चाहिए। इसमें टोटल 4 ARGB फैंस लगे हुए हैं और इसकी प्राइस है करीब 6,300। और यहाँ पर ये ORS का कीबोर्ड दिखिए, ये देखिए यहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए रखा हुआ है। बहुत सॉफ्ट साउंड लग रहा है इसका। और इन स्विचेस को ऐसे ऑरेंज एक्सेंट में दिया है, इनसे क्लिकी साउंड आ रहा है। और ये देखिए ORS का माउस, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ यार, इसमें तो पूरा पाम ग्रिप है, मुझे नहीं जमे गए। और ये देखिए, इस पीसी के सारे कंपोनेंट्स आप इन बॉक्सेस पे देख सकते हो, जो कि ज़्यादातर ORS और गीगाबाइट के ही है, बस प्रोसेसर और रैम को छोड़े तो। और ये 1080p डिस्प्ले गीगाबाइट का ही है। ये मॉनिटर 175Hz के साथ आता है और RTX 4060 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है 1080p में। इसमें गेम खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो ये देखिए, यहाँ पर इनका पीसी बिल्ड हो रहा है। और क्या बात है, गीगाबाइट का पावर सप्लाई, बिग फैन भाई। भाई वैसे मैंने यहाँ पर गीगाबाइट का पावर सप्लाई बिकते देखा है, शायद ये इंटरनेट पर ही बदनाम है। और ये देखिए, यहाँ पर मयूर अपने बारी का वेट कर रहा है। यहाँ पर मयूर का कैबिनेट भी आ चुका है। तो मयूर का पीसी यहाँ पर असेंबल होगा। और यहाँ पर कस्टमर देखो कितने हैं। एक बार फोन देखा था। ए रुको एक मिनट, रीटेक सब्सक्राइब नहीं है। दोस्तों ये सियान और ये भी यहाँ पर पीसी बिल्ड करने ही आया है। तो सियान ने यहाँ पर मुझे मेरे चैनल का नाम पूछा और तब उसने मुझे बताया कि उसने मेरा पीसी बिल्ड वीडियो देख रखा है। और सियान ने मुझे ये भी बताया कि उसे उस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूल गया। लेकिन फाइनली अभी उसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप भी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो ये देखिए, ये RX 7600। तो सियान यहाँ पर काफी बढ़िया 1080p गेमिंग पीसी बिल्ड करवा रहा है। तो यहाँ पर मयूर का पीसी बिल्ड करने इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, इंटेल i5 13400F। ठीक है, तो अभी ये लगेगा इस मदरबोर्ड में और ये लग गया। अरे यार, एक बार देख लिया, पिन देखो, पिन देखो, पिन सही है, दिखा दिखा।
पिन नहीं रहता इस पे, लेकिन ठीक है थैंक्स टू एल जी आर्किटेक्चर यहाँ पर एक डिजास्टर होते होते बचा है। दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस प्रोसेसर में किसी भी तरह के पिंस नहीं है, ये इंटेल के एल जी आर्किटेक्चर पे बना है। इसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, इस पे कोई भी पिंस नहीं है जो टूट सकता है। यहाँ पर लापरवाही तो दिख रही है, फिनिक्स ने यहाँ पर थोड़ा ध्यान इन चीजों पे भी देना चाहिए। मेरे पीसी बिल्ड वीडियो पे भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जो कि इनकी लापरवाही के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे, तो फिनिक्स प्लीज यहाँ पर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। अभी यहाँ पर स्टैंड ऑफ लग रहे हैं मदरबोर्ड लगाने के लिए, लेंगे ना वही लेंगे। यहाँ पर मदरबोर्ड पे रैम, सीपीयू, सीपीयू कूलर, एसएसडी सब लग चुका है। ये देखो यहाँ पर सियान का पीसी रेडी हो चुका है, और यहाँ पर अनबॉक्स हो रहा है आरटीएक्स 3060 टीआई। अरे भाई निकलना पड़ता है, हीट होगा ये सब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक आपके पीसी में से आपको पहले हटाना है, क्योंकि वो पीसी के कंपोनेंट्स जब बक्से में बंद रहते हैं तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, और अगर आप उस प्लास्टिक को नहीं हटाओगे तो हो सकता है वो जल जाए या तो उस पे धूल चिपक सकती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक को याद से हटाए, क्योंकि वही प्रोटेक्टिव प्लास्टिक आपके पीसी कंपोनेंट्स का नुकसान कर सकता है। भाई सुन, जीपीयू का दोनों केबल अलग अलग लगाना है, मेरे इस पे वीडियो पे बार बार कमेंट कर रहे बंदे। हाँ ये दोनों केबल अलग अलग चाहिए। अरे टू पिन सही रहता है क्योंकि इंडिविजुअल वायर है ना। हाँ तो ये इंडिविजुअली पावर देगा एक सॉकेट को, दूसरे सॉकेट पे ऐसा। ये अभी मैनेज होगा, ऐसा बांध के रख देंगे वो। ये देखिए यहाँ पर एक केबल मैनेजमेंट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप केबल मैनेजमेंट देख सकते हैं जो कि एकदम बेसिक लेवल का है, और मेरे पीसी में भी ऐसा ही केबल मैनेजमेंट हुआ था, तो मैंने उसे घर पे आने के बाद थोड़ा ठीक कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज आप खुद से ही कर लो, ठीक है वो रखते हैं साइड में। दोस्तों यहाँ पर हेडफोन लगा लो, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में ना कुछ कस्टमर इन्फिनिटी गैजेट्स के बारे में बात कर रहे पर सीएन के कैबिनेट में एक फैन कम था तो उन्हें अलग से परचेस करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो इनका भी कैबिनेट 6300 के बजट में ही आ गया। दोस्तों ये कंपनियां बजट केस बोल के यहाँ पर छोटा सा स्कैम चला रही है। यहाँ पर जो बजट कैबिनेट रहते हैं उनमें पीछे का एग्जॉस्ट फैन नहीं होता, वो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 5,500 का कैबिनेट है उसमें 1,000 रुपए का एक और पंखा ऐड कर लो और उसका बजट बढ़ा दो। वैसे यहाँ पर भी एक ट्रिक है जो आप आजमा सकते हो। इस कैबिनेट के फ्रंट में जो 3 फैन है उसमें से बॉटम वाला फैन आपको पीछे लगा देना है एग्जॉस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको एक और फैन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लाइफ हैक प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ये जो बॉटम वाला फैन है उसकी हवा बस पीएसयू के केबल्स की ओर जाती है, तो शायद आपको इस ट्रिक से कुछ मदद मिले। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन फिट कर रहा है, भरोसा इस तरह से आ रहा है, जो आवाज निकला ना वो तो मेरे आंखों में तोड़ दे। तो ये देखिए मयूर का पीसी यहाँ पर ऑन हो चुका है। वो वेट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे यहाँ पर ये सीपीयू का पावर केबल लगाना भूल गए। सीपीयू पावर का लगा कुछ तो हुआ। ठीक है ये देखो इन्होंने फाइनली सीपीयू का केबल लगा दिया है। नॉर्मल अपना ट्रायल, क्रैक भी मत डालना कोई नहीं है, बस नॉर्मल। यहाँ पर विंडोज का ट्रायल वर्जन इंस्टॉल हो रहा है मयूर के पीसी में। ये देखो भाई सीएन का पीसी पैक हो चुका है, और यहाँ पर ये और भी चीजें खरीद रहे हैं। भाई इनकी शॉपिंग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, यहाँ पर ये पूरा सेटअप खरीद रहे हैं। ये भी आपने लिया है? जी यही है सेम, जी यहाँ पर है।
इंचेस में डिफरेंस है 424 इंच ये 427 है ओके क्वालिटी अच्छी है गीगाबाइट की ये देखिए दोस्तों यहां पर गीगाबाइट के मॉनिटर में कहीं भी कलर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है यहां पर आईपीएस ग्लो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन शायद यहां पर लाइटिंग इसलिए ऐसा लग रहा है ब्राइट लाइटिंग में मेरा भी डिस्प्ले सही दिखता है इसे अंधेरे में टेस्ट करेंगे तभी इसकी पिक्चर क्वालिटी पता चलेगी क्योंकि ब्राइट लाइटिंग में आईपीएस ग्लो नहीं दिखता तो ये अपर सीएन का डिस्प्ले पैक कर रहा है क्या नाम डालूं मशीन मेरा मेरे पीसी में यहाँ पर वेलकम डाल दिया था वैसे पीसी का नेम बाद में चेंज कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टरी में ये चेंज नहीं होता है तो मैंने मेरे पीसी को फैक्ट्री सेट कर दिया था वो भाई यहाँ पर 4070 Ti का पीसी बिल्ड हो रहा है ये चार तीन बड़े डब्बे उधर रख ये देखो यहाँ पर कंट्रोलर भी देख रहे हैं लेकिन इनको कॉस्मिक बाइट का एरिस कंट्रोलर चाहिए था जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर सीएन ने लॉजिटेक G402 माउस भी खरीद लिया है जो कि बहुत ही बढ़िया चॉइस है ये देखिए सीएन का बिल बन चुका है और इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं यहाँ पर अमेजोन बेसिक्स के माउसपैड भी इन्होंने यहीं से खरीदे हैं ये देखो पूरी थैली भर के बॉक्सेस हो गए इनके पास यहाँ पर मयूर के पीसी की भी टेस्टिंग हो चुकी है और अब इसकी पैकिंग हो रही है बाय तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट स्कैन हो रहे हैं और अब इनका बिल बनेगा दोस्तों यहाँ पर बिल का पीडीएफ मयूर को व्हाट्सएप पे आ चुका है तो ये देखिए दोस्तों ये है मयूर का पीसी बिल तो यहाँ पर फाइनल पीसी कोटेशन था 89,600 और इस बिल में आप टोटल देख सकते हो जो कि 89,200 तो ये यहाँ पर हमने फाइनल कोटेशन पे भी बार्गेनिंग करके थोड़ा सा डिस्काउंट ले लिया और वैसे देखा जाए तो मयूर को इन कंपोनेंट्स की काफी अच्छी प्राइस मिली है दोस्तों अब जो मैं वीडियो प्ले करने वाला उसको मैंने चुपके से शूट किया था यहाँ पर फिनिक्स में जो भी कंप्यूटर बिल करने आता है वो एक बार तो दूसरे शॉप की स्कैम वाली स्टोरी जरूर सुनाता है जिधर फर्क आ गया ना कि रोकड़े में फर्क आ गया मतलब चोरी 1,000 क्यों हो रहा है भाई रोकड़ा देगा तो पैसा कम और बैंक ट्रांसफर करे तो पैसा के ये ऐसा नहीं होता अपना ओनली वन सिंगल शॉट दोस्तों यहाँ पर मेरे पीसी में जो मुझे डाउट था जो कि है गीगाबाइट का पावर सप्लाई तो मैंने यहाँ पर प्रतीक भाई से पूछ लिया कि उन्होंने मुझे ये पावर सप्लाई क्यों सजेस्ट किया अगर उसके इतने बैड रिव्यूज है तो आप ही देख लीजिए प्रतीक भाई उस पे क्या बोलते हैं भाई वैसे एक मुझे प्रॉब्लम है मेरे बिल्ड में ना जो गीगाबाइट का ये किया था गीगाबाइट का PSU उस पे बहुत कमेंट आए बहुत गंदे प्रॉब्लम आया क्या नहीं आया मैं बैठा हूँ ना हाँ वो तो प्रॉब्लम आया तो उसका डबल में भर के लेकिन किसी को आया है क्या किसी को रेकमेंड किया उसको सर मैं बेचता हूँ रोज ऐसे ऐसा थोड़ी बेचूंगा दादा मैं सोच समझ के बेचता हूँ अभी मशीन बना देखो 750 गोल्ड गीगाबाइट डालो सर गीगाबाइट गोल्ड मास्टर से अच्छे बेहतरीन ब्रांड नहीं है वो पिचिंग कैसे MSI अभी आप यूट्यूबर हो पिछले यूट्यूबर भी रहेंगे पिचिंग करने वाले आपको गिराना होगा तो क्या करेगा वो आपका टांग खींचेगा मेरे को बढ़ना है मैं बढ़ूंगा नहीं आपका टांग खींचूंगा तो मैं बढ़ूंगा ऐसा भी दिमाग रहता है कभी नहीं आता नहीं मुझे तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है सही है वो चीज भाई मैं जो ब्रांड रेकमेंड कर दिया ना मेरी जवाबदारी कंपनी की नहीं है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग मेरे यहाँ से मैंने जो बोल दिया लेके गया तो कल अगर आके बोलेगा ना सर्विस सेंटर के नहीं हुआ तो मैं बैठा हूँ उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई हमसे भी नहीं होगा हमसे सब होगा क्योंकि बैंड बजा डालूंगा मैं कंपनी वालों के आपको प्रायोरिटी में भी नहीं वो अपना काम ही हुआ है ब्रो ये दोस्तों यहाँ पर मेरा गीगाबाइट का पावर सप्लाई काफी अच्छे से काम कर रहा है ये पीसी बिल्ड किया मुझे अराउंड 8-9 महीने हो गया है और मुझे इस पावर सप्लाई की वजह से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मेरे पीसी बिल्ड वीडियो पे इस पावर सप्लाई को लेके जिन जिन लोगों ने बैड कमेंट्स किए हैं उनको जब मैंने पूछा कि आपका गीगाबाइट का पावर सप्लाई कब फटा था तो उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं है दोस्तों ये लोग बस वही है जिनके पास पीसी नहीं है और बस ये इंटरनेट की बनाई अफवाह पे बिलीव करते हैं वैसे गीगाबाइट ने अपनी मिस्टेक अभी सुधार ली है और मेरे पास देने के लिए इसका कोई बैड रिव्यू है नहीं तो बढ़ते हैं अभी आगे देख ले कल के मैच भी कर ले जाए तो यहाँ पर मयूर ने बिल की पेमेंट कर दी है और इन्होंने दो पार्ट्स में बिल की पेमेंट की पहले 2,000 भेजे और बाकी अमाउंट बाद में भेजी
दोस्तों यहाँ पर अगर पेमेंट करना है तो UPI कैश और NFT सही है। यहाँ पर अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो 2% चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आपको PC EMI पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे होगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता। तो मुझे यहाँ पर EMI का ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर UPI पेमेंट का ऑप्शन ही सही है, क्योंकि उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। दोस्तों ये डील बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही, अब PC को लेके चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये बंदे कार में PC लोड कराने के लिए हमारी मदद करेंगे। जब मैं PC बिल्ड कराने आया था तब ये सर्विस नहीं थी, और मैं खुद से ही PC और उसके कंपोनेंट्स लेके गया था। चलो अभी फिनिश को टाटा करते और निकलते यहाँ से। दोस्तों अब हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, क्योंकि मयूर वहाँ से बदलापुर जाएगा, तो वहाँ पर जाने के लिए उसको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और वहाँ पर जाने के लिए टैक्सी का फेयर बस 100 रुपीज़ है, और मयूर के लिए यही सबसे बेस्ट वे है। दोस्तों ये PC आपको हल्का लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इसे लेके जाने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, क्योंकि इसका बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। इसके बॉक्स के साइज़ की वजह से इसे लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपकी खुद की कार लेके आओगे तो और भी सही है, या तो मदद करने के लिए अपना कोई तो दोस्त लेके आइए। तो इसी के साथ मयूर और सियान दोनों के ड्रीम्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर आपको कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो पे आए हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और अब बहुत ही जल्दी हॉलीडे सीजन आने वाला है, तो काफी सारे लोग यहाँ पर PC बिल्ड कराने जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से एक जन का भी भला होता है, तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।